बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। कर्नाटक के नाटक में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है, जहां पर आज बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लंबे समय से सियासी घमासान चला आ रहा है कर्नाटक में, जिसके बाद कर्नाटक का सियासी घमासान पहले मुंबई पहुंचा और मुंबई के बाद दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की इस्तीफे से संबंधित जो बातें हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि बागी विधायकों ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। लंबे समय से इस पर सुनवाई की मांग की जा रही थी। लंबे समय से मुंबई में बागी विधायक डेरा डाले हुए थे, ना सिर्फ डेरा डाले हुए थे बल्कि सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। जैसा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस के शिव कुमार उन्हें मनाने के लिए आए, उन्होंने साफ कह दिया मैं बिना अपने मित्रों से मिले नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत में मिलने नहीं दिया गया, हिरासत में लिया गया, जिसके बाद वापस से उन्हें बेंगलुरु भेज दिया गया। तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं सुचित्रा मुखर्जी। सुचित्रा, क्या लगता है आज की सुनवाई में बागी विधायकों ने जो आरोप लगाया है, उस पर क्या कुछ कहेगा सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, देखिए ये जो आरोप है, ये ऑलरेडी ये बताया गया था कि जो इस्तीफे के जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है, उसको सही तरीके से दिया जाए जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा कि आप 6 बजे स्पीकर से मिलिए, और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए भी बात कही गई थी। हालांकि स्पीकर से आग्रह किया गया था कि आप जो है इस मामले को देखिए और जो भी है कल तक हमें जवाब दीजिए, इस मामले को शॉर्ट आउट करिए। तो हालांकि ये आग्रह किया जा सकता है क्योंकि स्पीकर भी एक संवैधानिक पद पर होते हैं, उनके पास भी खुद की पावर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था स्पीकर से, दूसरी तरफ उसके कुछ घंटे बाद ही स्पीकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जो है ये संभव नहीं हो सकता, हमारी भी बात सुनी जाए और तुरंत सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए आपकी याचिका पर भी कल सुनवाई होगी। आज दोनों ही मामलों में सुनवाई होनी है। गौरांशी, देखना होगा कि आज कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहती है। कोर्ट कल पहले ही कह चुकी थी कि इस चीज को रिजॉल्व किया जाए, और कल सुप्रीम कोर्ट को यानी कि आज बताया जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यही देखा जा रहा है कि चीजों को कहीं ना कहीं बागी विधायक चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया जाए जितनी जल्दी हो सके। और दूसरी तरफ अगर के रमेश की बात करें, स्पीकर की बात करें, उसे लटकाने की कोशिश कर रहे, चाहे कोई भी वजह रही हो, तो राजनीतिक जो संग्राम वहाँ पर है, घमासान है, वो लगातार जारी है। जी सुचित्रा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विधायक एक तरफ आरोप लगा रहे हैं पक्षपात का, दूसरी तरफ जो स्पीकर है उनका साफ सीधा कहना है कि मुझसे तो मिलने के लिए किसी ने समय नहीं मांगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मामले को, किसकी गलती है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर गलती गौरांशी बहुत ही सीधी सी यहाँ पर बात है कि ये पूरा तरीके से ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। पॉलिटिकल इसमें जो है विधायक अपनी तरफ से अपनी बात कह रहे हैं कि हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। के रमेश भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने समय नहीं मांगा, तो दोनों ही अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं कि कौन किसकी बात पर विश्वास करोगे, किसकी बात पर विश्वास नहीं करोगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई यही है कि इस्तीफा देने की मतलब स्थिति बहुत खराब हो गई है वहाँ की सरकार, जो है वो पूरी तरीके से अभी कह सकते हैं कि जो नाव है वो डगमगा रही है, और अभी विधायक जो है वो किसी भी तरीके से इस्तीफा देना चाह रहे हैं, और रमेश जो स्पीकर है वो इस्तीफा नहीं ले रहे, चाहे जो भी रीजन हो। एक ये भी आया था कि उनके फॉर्मेट सही नहीं है, कहीं किसी दबाव में तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उसी को लेकर ये चीज भी टाला जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कह दिया है कि आपको देखना पड़ेगा, ऐसी राजनीति रिजॉल्व करके आज ही जवाब देने के लिए कहा गया है, और इसीलिए तत्काल प्रभाव से स्पीकर ने भी वहाँ के पिटीशन फाइल कर दी कि मेरी बात को सुना जाए, इतनी जल्दी कैसे क्या हो सकता है। तो ये समझ सकते हैं कि आप वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक किस तरीके से घमासान चल रहा है, आज देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारियों से हमें रूबरू करवाने के लिए।